भारतीय कम्युनिस्ट लोग और कुछ लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये आज का जो दिन है, जो समय है, इसलिए यहां पर हम आए हैं। ये परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सामने ये समस्या हो कि कल हमारे को क्या करना हो। और जिस दिन ये हो गया मैं समझता हूं उस दिन खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान से आतंकवाद, हिंदुस्तान से दंगे कराने वाले लोग, क्योंकि उससे लड़ने के लिए एक पूरा राष्ट्र सामने है, सेना सामने है, जिनके सामने ये है कि कल हम शहीद भी होंगे तो हमारे परिवार को देखने के लिए। बस मुझे यही बात कहनी थी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेटा साहब जो कर रहे हैं उसी मार्ग को आगे बढ़ाते हुए हम सब इस मंदिर तक पहुंचेंगे। जय भारत। हम सब मिलकर उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखें जिन्हें इस आतंकवाद की काली छाया ने हमेशा के लिए हमको जुदा कर दिया। आप सभी से गुजारिश है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। केपीएस गिल साहब, पंजाब फॉर्मर डीजीपी, फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर टू सीएम गुजरात, जिन्हें संघ की तरफ से प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, और देश के जाने माने प्ले बैक सिंगर श्री सोनू निगम जी और फ्रंट के चेयरमैन श्री बिक्टर जी से मेरा अनुरोध है कि स्टेज के सामने आने की कृपा करें। न सिर्फ उनकी बहनों की रक्षा की जिम्मेदारी है बल्कि पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। और आज इन सभी परिवार वालों को हम सैल्यूट करते हैं, देशवासी प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है इस परिवार की। सिमरन छोटी सी बच्ची है ये, और करोलबाग बॉम ब्लास्ट में अपने पिताजी को खो दिया। मिनान रखिए, यकीन रखिए, हरीश कोचर और श्री जगदीश साहनी, ये बिजनेस की दुनिया की जानी मानी हस्ती हैं
जिन्होंने ब्लास्ट से प्रभावित लोगों को फिर से बसाने के लिए जॉब देने की पहल की है, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना यहाँ पर हम जाएंगे सोनू निगम जी का। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका से शूटिंग छोड़कर वो इस प्रोग्राम में स्पेशली शिरकत करने आए हैं, अपनी भावनाएं संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं और यहाँ से वो सीधे वापस चले जाएंगे। यही बताता है कि आप कितनी इमोशनल हैं और संवेदनाओं भावनाओं से हमसे जुड़े हुए हैं। स्टेज पर और आप लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर ये कहना कि मैं कुछ गुनगुनाऊँ या गाऊँ ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस भावना से यहाँ पर आया हूँ वो कुछ और ही है। मैं इसीलिए एक तो बेटा साहब का समर्थन हमेशा करता हूँ या उनकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ लोग इतना मतलब सेल्फिशली स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, देखिए क्या क्या हो रहा है, नाम भी नहीं हुआ किसी का, लेकिन बिना बात के मुद्दे बनाए जाते हैं, लोगों को लड़ाया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, बसें टूट रही हैं, ट्रेन टूट रही हैं, लोग पिट रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं लोगों को। ऐसे समय पर एक आदमी पिछले कई सालों से अपने जीवन को पूरे समर्पित करके लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से, ना कोई ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं, ना अपना कोई गुणगान करवाते हैं लोगों से। लोग तो इतना कभी करके प्रेस में दे देते हैं और उसको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बेचारे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं और अपने चुपचाप लगे हुए हैं अपने काम में। इसलिए मैं यहाँ पर पहली बार तो इसलिए यहाँ पर आया हूँ बेटा जी के लिए। दूसरा, आतंकवाद से हम सभी प्रभावित हैं, हम सभी को कुछ ना कुछ हुआ है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। दिल के अंदर आग लगा देने वाला प्रोग्राम पूछता है आज तक आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद करता रहा, जो अंत में जाकर जन जन की आवाज बन गया। इस अवार्ड के देने के लिए मैं गुजारिश करूंगी श्री एम एस बिट्ठा जी से, चेयरमैन AIATF, मिस शालिनी देवान यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सेंटर, डायरेक्टर UNIC और सोनू निगम जी से कि वो इंस्पायरिंग इंडिया का ब्रेव ये अवार्ड प्रदान करें, इंस्पायरिंग इंडिया का। और इसके लिए इस अवार्ड को हासिल करने के लिए आज तक से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं स्नेहांशु शेखर, असाइनमेंट है दिल्ली ब्यूरो। आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि स्टेज पर आकर ये अवार्ड हासिल करें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई महज सुरक्षा एजेंसियों की नहीं, पुलिस की नहीं, बल्कि जन जन की लड़ाई है। ये जन जन को लड़ना होगा और आतंकवाद का सिर उचलेगा हमारा जज्बा और एकजुटता। और इसी की मिसाल भी है बलून बेचने वाले राहुल ने, इन्हें दिया जाता है ब्रेवरी अवार्ड और चेक। हम आपको बता दें कि राहुल 12 नंबर रोड पर बलून बेचता था, उसके द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन दी उससे स्केच बनाया जा सका उस आतंकवादी का, इस तरह से पुलिस को बहुत ज्यादा मदद हुई और इस तरह से बच्चा हुआ जवान हर आतंकवाद चौकन्ना हो जाए तो आतंकवाद की समस्या इसका हल ज्यादा दूर नहीं है।
धन्यवाद इस अवार्ड से नवाजने के लिए।